नमस्कार दोस्तों, इंदौर हमेशा से खाने पीने की चीज़ों के लिए मशहूर रहा है और ऐसे ही जगह में हम आए हैं जहां मिलती है चाची की कचौरी। चाची की कचौरी एवं नमकीन और गजब का स्वाद। तो दोस्तों, हम चाची की कचौरी पे हैं और चाची की कचौरी की जो संचालिका हैं रेखा सोलंकी जी, तो दोस्तों चाची की कचौरी पर जो मिलने वाली कचौरी हैं वो अलग अलग, जैसे आलू की कचौरी है, मटर की कचौरी है, दाल कचौरी है और इनकी एक और स्पेशलिटी है, वो है प्याज की कचौरी। तो इन सारी डिशेस को आपको या कचौरियों को टेस्ट करने के लिए आप ज़रूर पधारें चाची की कचौरी पर। ये मोहन थाल जो है ये भी इनके यहाँ की स्पेशलिटी है। चाची की कचौरी पर मिलने वाली सारे नमकीन की जो रेंज है इसके बारे में इति ने हमें बताया, ये फरियाली रेंज है। फरियाली में क्या क्या आइटम है इति? फरियाली में दो तरह के लच्छे हैं, ये सॉल्टेड है। हाँ। और ये लाल मिर्च के हैं, ये केले का मिक्सचर है, ये वाला आलू का मिक्सचर है। मेरे पास में दो फ्लेवर्स अवेलेबल रहते हैं, लाल मिर्च का और काली मिर्च का। हाँ। ये दाने हैं, इसमें हाँ। भी दो फ्लेवर्स अवेलेबल रहते हैं, ये हींग दाना है, घी के तड़के का रहता है और एक काली मिर्च का रहता है। ये फरियाली मठरी है। फरियाली मठरी जी हाँ। ये फरियाली मठरी आपकी यूनिक चीज है, ये हमारे यही आपको मिलेगा, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा खुद का इनोवेशन है। उसके बाद में ये सारा नमकीन आइटम है जो कि मैदे का, ये गेहूं के आटे के हैं। ओके। मीठे पेठे शुद्ध देशी घी के हैं। ये पारे हैं। ओके। खारे पारे और मीठे पारे दोनों? हाँ जी, ये खारे नहीं है, ये भी मीठे हैं, पर मीठे। ये मैदे का है। ओके। इन दोनों में डिफरेंस ये ही, प्योर गेहूं का आटा है। ओके। और ये मैदा। वेरी गुड। ये महाराष्ट्रियन चिवड़ा है। हाँ, ये भी मैदे के पेठे हैं, इसके ये घी के बनते हैं, उसमें चाशनी होती है। चाशनी चलती है। ये मेथी की मठरी है जी जी। ये सेव है हमारे यहाँ की। okay. ये सेव की स्पेशलिटी ये है कि हम लोग ऐश नहीं डालते हैं। नॉर्मली खस्ता बनाने के लिए शॉप वाले ऐश डालते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होती है हमारे सेव में। सोडा नहीं है, सोडा नहीं है हमारी सेव में। ये सबसे घर की बनी हुई चीजों का स्वाद ही और रहता है। और इसके साथ साथ इन्होंने अपनी जो चीज़ें रखी हैं उसमें, जैसे मैंने आपको बताया था, मोहन थाल या बेसन चक्की, ये शुद्ध देशी घी का है, प्योर बेसन है। और वेरी गुड, इसमें कोई मिलावट नहीं है। हम लोगों का मोटिव बोल सकते हैं आप। हाँ। कि एक एम है ये चीज़ लेकर कि कस्टमर को फ्रेश चीज़ें देनी है और बेस्ट चीज़ें देनी है, ताकि कस्टमर को ये ना लगे कि जब बाहर का खा रहे हैं। तो पहली बात तो ये सब एक आप बोल सकते हो कि अनहाइजीनिक तरीके से जो लोग बनाते हैं। वो चीज़ हमें शॉप में नहीं रखना है। और आप जंक फूड खा रहे हो तो हमको जंक फूड में जंक ना रहे, सिर्फ फूड रहे, ये चीज़ रखना है हमको। तो जैसा हम लोग घर में खाते हैं जितनी प्योरिटी के साथ में, वैसे ही हम लोग कस्टमर को प्रोवाइड कराना चाहते हैं। और एक स्पेशल चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, नवरात्रि में हमारे यहाँ 9 दिन आपको पूरा फरियाली आइटम मिलेगा और बहुत सारी वेराइटीज अवेलेबल होगी, कॉम्बोज रहेंगे और प्लेटर्स वगैरह भी अवेलेबल। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, विजिट, थैंक यू सो मच। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? जरूर कृष्णपुरा जो है, पुराना हैमिल्टन रोड कहलाता था, वहाँ पर आए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लोकेशन भी शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच। वो चाची की कचौरी इंदौर भर में फेमस हो गई है और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तो आइए, हम इनके साथ इनकी बेटियां भी बैठी हैं और बेटियां भी जुड़ी हुई हैं। तो जैसा मैंने बताया कि महिला सशक्तिकरण का ज़माना है और महिला सशक्तिकरण में महिलाओं द्वारा शुरू किया गया ये संस्थान बहुत शीघ्र इंदौर में प्रचलित हो रहा है। तो चाची की कचौरी का जो संस्थान है वो पूरा परिवार के सहयोग से चलता है। और सोलंकी जी जो इनकी भी कुछ डिशेस हैं जो इसमें महारत है उनको, और उन्होंने बताया मोहन थाल उन्होंने बनाई हुई चीज़ें उसको। चाची की कचौरी पर कुछ कस्टमर से भी मैंने बात की है और वो देवास नाके से आए हैं और उन्होंने बताया, आपने क्या क्या यहाँ पे टेस्ट किया है? कचौरी टेस्ट की हमने। कचौरी कौन सी? बटले की कचौरी। स्वाद कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, एकदम फ्रेश है और घर की बनी हुई चीज़ें हैं। और आपने कुछ नमकीन भी लिए हैं मेरे ख्याल से। ये नमकीन फरियाली आइटम टेस्ट किया। हाँ हाँ,
कचौरी कैसे लगी? अरे बहुत अच्छा। और जगह की कचौरी से इनकी क्या खासियत है? बहुत खस्ता और उसके बाद भी मतलब तेल मुंह में नहीं लगता है। बिल्कुल भी ऑयली ऑयली नहीं।